हाय, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम नवरत्न है और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आपका पैडागॉजी सब्जेक्ट है, खासकर सी टेट के लिए, यूपी टेट के लिए, एमपी टेट के लिए या आर टेट के लिए या जो अदर स्टेट्स के एग्ज़ाम होते हैं, उसको मैं टॉपिक वाइज क्या करवाऊँगा, कवर करवाऊँगा। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है कि सर या मैडम, मतलब हम पैडागॉजी को कैसे समझें या इसको कैसे पढ़ाएं। तो उसके लिए बस बेसिक चीज़ एक ही है कि आप इसके जो टर्म्स होते हैं ना, उन टर्म्स को अच्छे से समझ जाओ। अगर आप उन टर्म्स को अच्छे से समझ पा रहे हो तो कहीं ना कहीं जब आप पैडागॉजी पढ़ाओगे बच्चों को तो कहीं ना कहीं क्या होगा, वो आपके लिए इजी होगा। और ये पढ़ाना तो एक अलग मैटर है, उसके साथ साथ में इसको अप्लाई करना। क्यों? क्योंकि इन फ्यूचर आप क्या बनने जा रहे हो, टीचर बनने जा रहे हो। और जब आप इन फ्यूचर टीचर बनने जाओगे तो आपको मेथड पता होना चाहिए, तरीका पता होना चाहिए कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, उनकी साइकोलॉजी आपको समझना है, उनका बिहेवियर आपको समझना है, उसके साथ ही आपको उन्हें क्या करना है, पढ़ाना है। तो आज मैं जो आपको लेक्चर देने वाला हूँ, ये एक बेसिक लेक्चर दूंगा, ये आपका फर्स्ट बेसिक लेक्चर होगा। इसके साथ साथ में एक लेक्चर बेसिक और आएगा, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, अपना टॉपिक। और ये बेसिक लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चंस हर एक एग्जाम में आते हैं, चाहे वो आपका सी टैट हो, चाहे वो आपका एमपी टैट हो, कोई भी टैट हो, उसमें 2-4 नंबर तो आता ही आता है। ये आपका क्या है, फिक्स है। तो अब एक काम करते हैं, पैडागॉजी को पढ़ने से पहले पहले पैडागॉजी टर्म्स को समझ लेते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले, कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले उसके टर्म्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। अगर हमें टर्म्स क्लियर है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ हमारे लिए क्या हो जाती है, सिंपल हो जाती है। क्यों? क्योंकि नाम में ही सब कुछ क्या होता है, छुपा होता है। अब एक चीज़ याद रखना, अगर आपके पेरेंट्स ने आपका नाम रखा है तो कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ सोच समझ के आपका नाम रखा होगा और आप उसी नाम के अकॉर्डिंग अपना क्या करते हो, काम करते हो। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ऐसा तो होता ही नहीं है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन लैंग्वेज में ऐसा नहीं चलता है। लैंग्वेज में जिस वर्ड का जैसा नाम होता है और जहाँ पे उसका यूज़ किया जाता है वो उसी के अनुसार अपना काम करता है। अब मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपके सामने इस लेक्चर को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो आप प्लीज़ इस लेक्चर को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। इसमें आज आपको बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी, ये मेरी गारंटी है। अब एक काम करते हैं, इसमें जो ये टर्म्स है पैडागॉजी, क्या, हाँ पैडागॉजी टर्म्स थोड़ा सा हम क्लियर करते हैं, क्योंकि टर्म्स क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। अब देखो ध्यान से इसको, जो ये पैडागॉजी टर्म्स बना है ना, इसमें दो वर्ड हैं, एक तो इसमें पेडियोस है, क्या है, पेडियोस, और इस पेडियोस का मतलब होता है चाइल्ड, क्या होता है, चाइल्ड। और इसमें एक दूसरा जो टर्म्स है वो है एगोस, क्या है, एगोस, और एगोस का मतलब क्या होता है, लीडिंग या लीडर, जिसको आप बोल सकते हो लीडिंग या लीडर। मींस आप इसको ऐसे समझोगे कि पेडियोस का मतलब क्या होता है, चाइल्ड, और एगोस का मतलब क्या होता है, लीडिंग या लीडर, जिसको हम कहते हैं। तो इसको अगर आप ध्यान से देखो ना, तो इसमें ये टर्म्स दिख रहा है, ये तो इसका मतलब क्या हो गया, हाँ चाइल्ड, इसका मतलब क्या हो गया, चाइल्ड। और इसमें एगोस ये वाला टर्म्स दिख रहा है, ये वाला, तो इसका मतलब क्या हो गया, लीडर या लीडिंग, लीडिंग यहां पे लिखो, ये सबसे बेस्ट होगा, लीडर तो अभी अलग जाएगा। अब देखना, पैडागॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें हमें ऐसे प्रिंसिपल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है कि वहां पे हम बच्चों को कैसे पढ़ाएं, ऐसे कौन कौन से प्रिंसिपल्स अप्लाई करें ताकि बच्चों के साइकोलॉजी को हम समझ जाएं, उनके बिहेवियर को समझ जाएं और उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाएं। ये कौन हमें सिखाता है, पैडागॉजी। आई बात समझ में, आई होप ये टर्म्स आपको समझ में आ गया होगा। मीन्स ये एक ऐसा प्रिंसिपल्स होता है जिसके द्वारा हम बच्चों को क्या करते हैं, लीड करते हैं। यहीं से एक टर्म्स और आया है आपका, पैडागॉग, क्या,
पैडागॉग। बहुत ही सिंपल सा समझ में आ रहा है। पैडागॉग क्या होता है? वो पर्सन होता है। कौन? वो पर्सन होता है जो क्या करता है, बच्चों को लीड करता है। इसमें भी अगर आप ध्यान से देखो ना, तो ये पैड है, तो इसका मतलब वही है जो यहाँ पे मैंने बताया था, चाइल्ड। और एगॉग का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लीडर हो जाएगा। क्या? लीडर मींस एक ऐसा लीडर जो बच्चों को क्या दिखाए, रास्ता दिखाए। तो ये कौन होता है? टीचर होता है। क्या? टीचर होता है। लेकिन एक चीज ये भी याद रखना, जो पैडागॉग टर्म्स है ना, ये कहीं ना कहीं क्या होता है, निगेटिव टर्म्स होता है। कैसा? निगेटिव टर्म्स होता है। अब हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जो आज अपना मेन फोकस है, जो मेन चीज आपको पढ़ना है। आई होप ये जो दो टर्म्स थे ना, ये आपके क्या हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। तो इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, इंग्लिश। क्या है पढ़ने वाले? इंग्लिश। और वो भी इंग्लिश के बेसिक जो चीज़ें होती हैं, मींस इंग्लिश के बेसिक जो चीज़ें होती हैं उनको देखने वाले हैं। तो इंग्लिश बेसिकली वैसे है क्या? हाँ, वेरी गुड। एक लैंग्वेज है। क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है। अब आपके मन में डाउट होगा, ये लैंग्वेज एक्चुअली में होता है क्या है? तो देखो, लैंग्वेज एक ऐसा मीडियम होता है, आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि इट इज अ मीडियम थ्रू वी कैन शेयर आवर आइडियाज, इमोशंस, इंफॉर्मेशंस वन पर्सन टू अनदर। मीन्स लैंग्वेज क्या होता है, एक ऐसा मीडियम होता है जिसके थ्रू हम अपने आइडियाज को, अपने इमोशंस को या अपने इंफॉर्मेशंस को क्या करते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। क्या करते हैं? शेयर करते हैं। जैसे आप क्लासरूम में होते हो, आपको जब कोई प्रॉब्लम होती है या किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है, तो कहीं ना कहीं क्या करता है, कोई ना कोई लैंग्वेज वो आपके सामने यूज करता है, और उस लैंग्वेज के थ्रू ही वो अपनी बातों को क्या करता है, आप तक पहुँचाता है, या आप उस तक पहुँचाते हो। या जैसे कंपनीज होती हैं, तो कंपनीज भी सेम यही काम करती हैं कि वो लैंग्वेज का यूज करके उनका जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो आप तक डिलीवर कर देती हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, लैंग्वेज। ओके, अब लैंग्वेज को पढ़ने के लिए इसमें से सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अ लैंग्वेज। याद रखना, कोई भी जब आप लैंग्वेज सीखते हो ना, तो कहीं ना कहीं उसके क्या होते हैं, अपने कुछ बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जो बेसिक एलिमेंट्स डिस्कस करने वाले हैं, वो डिस्कस करने वाले हैं क्या, वाउल। क्या? वाउल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपके मन में डाउट होगा, ये वाउल क्या होता है? तो देखो, वाउल का मतलब होता है कि एक ऐसा अल्फाबेट या एक ऐसा लेटर जिसका जब आप प्रोनंसिएशन करते हो, तो उस प्रोनंसिएशन में जो आपका टीथ होता है, जो आपका माउथ होता है, वो आपस में टच नहीं करेंगे, और ना ही आपका माउथ क्या होगा, क्लोज होगा। मीन्स इसको आपका जो लंग्स है, इसमें से जब एयर पास होगी, तो जब एयर पास होगी तो टंग के थ्रू बिना माउथ को क्लोज किए हुए, बिना टीथ को टच किए हुए, इन अल्फाबेट को हम बोलते हैं। और ऐसे ही अल्फाबेट को हम क्या बोलते हैं, वाउल बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप बोलो ए, ई, आई, ओ। अब बताओ, इसमें कहीं से आपको ऐसा लग रहा है कि जो हमारी टंग है वो टीथ को टच कर रही है, या हमारा माउथ क्लोज हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। यही वाउल की अपने आप में क्या होती है, खासियत होती है। तो याद रखना, आप बोल सकते हो अ लेटर
दैट स्पीक्स विदाउट टचिंग ऑफ टीथ टीथ एंड क्लोजिंग माउथ। एंड क्लोजिंग माउथ, ये बात क्लियर हुई? मीन्स ऐसा कोई भी लेटर जिसको आप बोलो और उस केस में आपका माउथ ना क्लोज हो और ना ही आपकी जो टंग है वो टीथ को टच करे या ना टीथ आपस में टच करें, उसी को ही हम क्या कहते हैं? बाउल कहते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट के बारे में सोचते हैं, सोचने के बाद वो चीज़ हमारे माइंड में जाती है, माइंड उसको कैलकुलेट करता, उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन देता है। इन्फॉर्मेशन किसको देता है? मीन्स जो ऑर्गन्स होते हैं हमारे, जैसे उस केस में हम क्या करते हैं, हमारे लंग से एयर निकलता और एयर जो है वोकल ट्रैक से होते हुए, ये आपका कौन सा ट्रैक होता है? वोकल ट्रैक। और इस वोकल ट्रैक से होते हुए हमारे टंग को क्या करता है? इंडिकेट करता और हम इनको बोलते हैं। तो इस केस में ना हमारा माउथ क्लोज होता है और ना ही हमारे टीथ आपस में टच करते हैं, इन्हीं को हम वाउल कहते हैं। आप इसको प्रैक्टिस करके देख सकते हो। अब यहाँ पे एक बात आती है कि ये वाउल को हम कितने पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं, तो अब इसको ध्यान से देखना। एक तो हम बोलते हैं नॉर्मल, नॉर्मल वाउल, ये सबको पता है, जिसमें से आप बोलते हो ए ई आई ओ यू, ये सबको पता है। दूसरा इसमें होता है सेमी वाउल, क्या होते हैं? सेमी वाउल होते हैं, जिसमें से आपका होता है डब्ल्यू एंड वाई, क्या होता है? डब्ल्यू एंड वाई। अब आपके मन में डाउट हो गया इसको हम सेमी वाउल्स क्यों कहते हैं, तो इसमें आपको याद रखना है जब किसी वर्ड में, किसमें, जब किसी वर्ड में W और Y स्टार्टिंग में आए, कहाँ पे? स्टार्टिंग में आए, तो ये बेसिकली काम करते हैं एज अ कॉन्सोनेंट। किसकी तरह काम करते हैं? एज अ कॉन्सोनेंट की तरह काम करते हैं। लेकिन जब ये किसी भी वर्ड के मिडिल में आए या लास्ट में आए, तो ये जो बेसिकली काम करते हैं, ये काम करते हैं एज अ वाउल। किसकी तरह काम करते हैं? एज अ वाउल की तरह काम करते हैं। अब हम एक दो एग्जांपल देख के थोड़ा सा इसको प्रूफ करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, मैंने लिखा ईयर, तो इसमें ये या है, क्या है? या, ईयर। इसके बाद मैंने लिखा वुमेन, तो ये वा है, वुमेन, क्या? वुमेन, तो यहां पे क्या है? वा है। लेकिन अगर सपोज करो हम इसको ऐसे लिख दें ट्राई, तो यहां वाई जो है ना ये ई है, ट्राई। या फिर मैंने बोला स्काई, तो यहां पे वाई क्या है? ई है। या फिर आपने एक टर्म सुना होगा फिजिकल, फिजिकल, तो फिजिकल में जो होता है, देखो ये फिज है, ये ई है, फिजी फिजी फिजी, ये ई है, फिजिकल, तो यहां पे ई का ये साउंड दे रहा। तो आपको ऐसे समझना है कि जब डब्ल्यू और वाई किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में आ जाए तो एज अ कॉन्सोनेंट फंक्शन करते हैं, मिडिल और लास्ट में आ जाए तो एज अ वाउल की तरह काम करते हैं। इसलिए इनका नाम हमने क्या बोल दिया? सेमी वाउल बोल दिया। क्या? सेमी वाउल। क्यों? क्योंकि ये दो तरीके से फंक्शन कर रहे हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद वाउल की अगर हम अगली कैटेगरी की बात करते हैं तो ये होता है क्या? अकॉर्डिंग टू साउंड। क्या? अकॉर्डिंग टू साउंड, मीन्स साउंड के अनुसार वाउल कितने टाइप के होते हैं। तो याद रखना, साउंड के अनुसार
अगर हम बात करें इंग्लिश में, तो इंग्लिश में होते हैं 20, कितने इंग्लिश में होते हैं 20। अब ये जो 20 होते हैं ना, इनको फर्दर हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। किसमें? दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। याद रखना, अकॉर्डिंग टू यहाँ साउंड चल रहा है। यहाँ पे क्या नॉर्मल हम बात कर रहे थे, नॉर्मल, और यहाँ पे हम किसकी बात करें, अकॉर्डिंग टू साउंड, हाउ मेनी वॉल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। सो देयर आर 20 वॉल्स। ओके, तो इसमें से पहला जो होता है डायफ्थोंग होता है, डायफ्थोंग। पहला क्या हो गया डायफ्थोंग्स, और दूसरा हो गया मोनोफ्थोंग्स, मोनोफ्थोंग्स। क्या हो गया मोनोफ्थोंग्स। अब आपके मन में डाउट होगा ये डायफ्थोंग्स क्या होता और मोनोफ्थोंग्स क्या होता। तो मैं एक नॉर्मल लुईस की बुक कवर कर रहा हूँ, मतलब इसी सेशन में ही चल रहा है, आप प्लेलिस्ट में उसको चेक कर सकते हो। तो वो जो नॉर्मल लुईस की बुक है, मैं आपसे बार बार बोलता हूँ एक ही टर्म्स की, वो बुक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो एटमोलॉजी से बना हुआ है। तो अगर आप बुक नहीं परचेज कर सकते हो तो कम से कम लेक्चर मेरा देख लिया करो। क्यों? क्योंकि जितने भी इंग्लिश के वर्ड हैं, लगभग 50-60% जो वर्ड्स हैं वो कहीं ना कहीं किससे बने हुए हैं, रूट्स वर्ड से बने हुए हैं। किससे? रूट से बने हुए हैं। उसमें सिर्फ प्रीफिक्स लगा है, सफिक्स लगा है। तो अगर इसको आप ध्यान से देखो तो कहीं ना कहीं डाई का मतलब इसमें क्या है। हाँ, वेरी गुड, याद रखना, कहीं भी अगर डाई लगा है तो डाई का मतलब होता है टू, और बाई लगा है तो बाई का भी मतलब क्या होता है, टू होता है। और अगर भी कहीं मोनो लगा है तो मोनो का मतलब क्या होता है, वन होता है। जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बाई कैमरल, क्या बाई कैमरल, बी आई यहाँ से लगा है। और जो आपका वर्ब होता है ट्रांजिटिव वर्ब, वो दो टाइप का होता है, एक मोनो ट्रांजिटिव होता है और एक डाई ट्रांजिटिव होता है। मोनो ट्रांजिटिव में वन ऑब्जेक्ट लेगा वर्ब, और डाई ट्रांजिटिव में टू ऑब्जेक्ट्स लेता है वर्ब। तो ये ऐसे चीज़ें थोड़ी सी आप क्लियर किया करो। अगर रूट वर्ड आपको क्लियर है या प्रीफिक्स या सफिक्स क्लियर है ना, तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपके लिए क्या हो जाती है, ईजी हो जाती है। तो देखो, डाई का मतलब क्या हो गया, डबल, और मोनो का मतलब क्या हो गया, सिंगल, इसका मतलब हो गया टू। अब देखो, यहीं से चीज़ें आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगी कि ये डायफ्थोंग्स क्या होते हैं और मोनोफ्थोंग्स क्या होते हैं। तो अभी एक चीज़ और याद रखो कि जो डायफ्थोंग्स होते हैं ना, ये टोटल होते हैं 8, और जो मोनोफ्थोंग्स होते हैं ना, ये आपके होते हैं टोटल 12। कितने होते हैं? 12। अब इन दो टर्म्स को थोड़ा सा हम समझते हैं कि ये डायफ्थोंग्स क्या होते हैं और मोनोफ्थोंग्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे इसको आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। डायफ्थोंग्स देखो, डायफ्थोंग्स होते हैं बेसिकली टू वाउल से मिलके बने होते हैं। कितने वाउल से? टू वाउल से मिलके बने होते हैं। इसमें क्या होता है, साउंड पहले वाउल से स्टार्ट होता है और जाके दूसरे वाउल पे क्या होता है, खत्म हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, डायफ्थोंग्स बोलते हैं। मींस कि जब हम किसी वाउल का प्रोनंसिएशन करें और उसका प्रोनंसिएशन पहले वाउल से स्टार्ट होके दूसरे पे जाके फिनिश हो जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, डायफ्थोंग्स बोलते हैं। जैसे आप बोलो ऑयल, तो सबसे पहले आपने बोला अ, उसके बाद आई, तो ऑयल, ऑयल। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? जैसे आपने क्या बोला, ओ और इल, ओ इल, यहाँ से स्टार्ट हुआ लेकिन जाके ख़त्म कहाँ हो रहा है, आई पे ख़त्म हो रहा है। जैसे मैंने एक टर्म्स आपसे बोला साई, साई, अब ये यहाँ से स्टार्ट, साई यहाँ पे आ और ई यहाँ जा रहा, साई साइड, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे ई आ रहा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, साइड। क्या बोलेंगे? साइड। तो ये चीज होता है किसमें, मोनोफ्थोंग्स में। तो आप इसको बोल सकते हो कि इट इज कंसिस्ट ऑफ टू, या ऐसे लिखो, इट कंसिस्ट ऑफ टू वाउल्स
एंड हियर वन वाउल ग्लाइड, ग्लाइड माने क्या होता है फिसलना, ग्लाइड टू अनदर मींस ये दो बाउल से कंसिस्ट होता है जिसमें से एक बाउल ग्लाइड होके दूसरे बाउल पर चला जाता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था ऑयल साइड, ऐसे बहुत सारे टर्म्स आपको मिल जाएंगे। जैसे अवर है तो आ या यू पे जा रहा है अवर, समझ गए, तो वहां पे यू पे वो ग्लाइड कर रहा है। इसी को एक नाम से और भी बोलते हैं ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग साउंड कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि ग्लाइडिंग साउंड की क्वालिटी किसके पास होती है, तो आंसर क्या होगा डिपथोंग्स के पास होती है। किसके पास डिपथोंग्स, क्योंकि मल्टीपल क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा सकता है, समझने की आपके अंदर क्वालिटी अगर है तो आप आंसर दे पाएंगे इजी तरीके से। और वैसे भी आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, इतना मुझे बहुत अच्छे से पता है। ये बात अगर क्लियर हो गई हो तो अब आते हैं हम किस पे, मोनोपथोंग्स पे। तो मोनोपथोंग्स मैंने कितना बताया 12, इसी को ही हम कहते हैं प्योर वाउल्स। क्या बोलते हैं मोनोपथोंग्स, इसको हम क्या बोलते हैं प्योर वाउल। इट इज अ प्योर वाउल मींस इसमें ना तो कोई भी साउंड ग्लाइड करेगा और ना ही ये अपनी मीनिंग को चेंज करेंगे, इसलिए इनको हमने क्या नाम दिया प्योर वाउल्स। तो कभी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वाउल्स में कौन से वाउल्स ऐसे होते हैं जो प्योर होते हैं या प्योर वाउल्स कितने टाइप के होते हैं, तो योर आंसर विल बी 12। और वो वाउल्स कौन से होते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा मोनोपथोंग्स होगा। क्या मोनोपथोंग्स होगा मीन्स ये अपनी क्वालिटी को चेंज नहीं करते हैं। और इसमें जो क्वालिटी है डायपथोंग्स में, इसमें क्वालिटी आपकी क्या हो जाती है चेंज हो जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपसे बोलूं, मैंने बोला मीट, अब बताओ इसमें कोई साउंड ग्लाइड कर रहा है क्या, मीट ई आ रहा है, ये दोनों ई मिलके सिंगल ई ही बना रहे हैं, इसमें कोई साउंड ग्लाइड नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जब मैंने बोला था क्या ऑइल ऑइल, तो ओ से जाके आई पे ग्लाइड कर गया साउंड। जैसे आप यहां पे ले सकते हो रीट या नीट, इसमें कोई ग्लाइड नहीं हो रहा है साउंड का, समझ गए। तो इसी को हम क्या बोलेंगे मोनोपथोंग्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे मोनोपथोंग्स बोलते हैं। ये बात अगर आपको समझ में आ गई होगी तो अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा हूं, थोड़ा सा ये मैं ऊपर रफ कर रहा हूँ। आप एक काम करो इसका वो ले लो स्क्रीनशॉट, क्योंकि बाद में नोट्स बनाने के लिए काम करेगा ये। इस लेक्चर को आप बार बार देखिएगा, याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, और ये बेसिक है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। और हर एक एग्ज़ाम में जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया है क्वेश्चंस यहाँ से बनता ही बनता है, तो आपको ये पूरा अच्छे से पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बाउल की बात करें तो एक आपका होता है शॉर्ट बाउल, कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है शॉर्ट बाउल, और एक होता है आपका क्या लॉन्ग बाउल। क्या होता है लॉन्ग बाउल। अब शॉर्ट बाउल क्या होता है लॉन्ग बाउल क्या होता है, देखो शॉर्ट बाउल में क्या होता है जो साउंड होता है ना वो बहुत ही शॉर्ट होता है बाउल का। जैसे मैंने बोला कट, तो कट में यू का जो साउंड है ना वो बहुत ही क्या है शॉर्ट है। जैसे मैंने बोला सट, तो सट में जो बाउल का साउंड है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है शॉर्ट है। लेकिन मैं जैसे बोलूँ फूल, तो यहाँ पे ऊ ये थोड़ा सा खिंच रहा है साउंड, साउंड क्या हो रहा है लंबा हो रहा है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे लॉन्ग बाउल बोलेंगे। या कूल, तो कूल में भी जो साउंड है ना वो कहीं ना कहीं बाउल का क्या हो रहा है लॉन्ग हो रहा है, मतलब वो लंबा खींच रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे लॉन्ग बाउल बोलेंगे। और शॉर्ट बाउल में याद रखना ये वाला चीज़ आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है, और जो लॉन्ग बाउल होता है ना उसमें ज़्यादातर
ये वाला आपको देखने को मिलेगा, इसके साथ में ये कोलन लगा हुआ मिलेगा आपको, समझ गए। तो यहाँ मैं डायरेक्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। एक चीज़ और मैं बोलूँगा, अगर आप लोग को इसका नोट्स चाहिए ना तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर नोट्स की ज़रूरत होगी तभी मैं उसको पोस्ट करूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पर और या इंस्टाग्राम पे मैं पोस्ट कर दूँगा। अगर नहीं ज़रूरत होगी तो आप समझ के इसको लिख लेना, ओके। तो अब समझना, शॉर्ट वाउल में जैसे मैंने बोला कट, सेट, सेट, मेट, एटीसी। और लॉन्ग वाउल की बात करें तो जैसे मैंने बोला फूल, फिर मैंने बोला कूल, फिर मैंने लिखा ईटीसी। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये शॉर्ट वाउल क्या होते हैं और लॉन्ग वाउल क्या होते हैं। अब इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जो सेकंड पोर्शन है जिसका नाम क्या है, हाँ वेरी गुड, कॉन्सोनेंट। क्या कॉन्सोनेंट? कॉन्सोनेंट सबको पता है, कॉन्सोनेंट ऐसे अल्फाबेट होते हैं जिनको बोलने के लिए कहीं ना कहीं आपका जो माउथ है वो क्लोज होगा, आपका जो टीथ है वो आपस में टच करेगा और जो आपकी टंग है वो भी कहीं ना कहीं टीथ को कहीं ना कहीं आपस में क्या करेगी, वो टच करेगी। मींस ऐसे अल्फाबेट जिनको प्रोनंसिएट करने के लिए आपकी जो टंग है या आपके जो टीथ हैं या आपका जो माउथ है वो आपस में टच करेंगे, उन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट बोलते हैं। जैसे आप बोलो बी सी डी एफ जी, देखो आप बोल के देखो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। मींस जब आपके लंग से एयर पास होता है ना, तो एयर जब आपके माउथ के थ्रू बाहर आता है ना, तो कहीं ना कहीं आपका जो माउथ होता है वो क्लोज हो जाता है, उसको वहाँ पे पॉज देना पड़ता है, वहाँ पे आपको रुकना पड़ता है, उसके बाद आप बोलते हो, तो उन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट बोलते हैं। मीन्स आप इसको बोल सकते हो कि अ साउंड ऑफ, अ साउंड ऑफ अल्फा बेट दैट कैन स्पीक विथ क्लोजिंग, क्लोजिंग माउथ एंड टचिंग टीथ। ये आप देख लेना, समझ जाना। हाँ, इसमें क्या होगा कि एक ऐसा अल्फाबेट का साउंड जब आप उसको बोलते हो तो उसमें कहीं ना कहीं जो आपका माउथ होता है वो क्लोज हो जाता है, यहाँ पे मैंने लिख दिया, और जो आपके टीथ होते हैं वो कहीं ना कहीं आपस में क्या करते हैं, टच करते हैं। क्या करते हैं? टच करते हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको और समझना है, नॉर्मल बिना, यहाँ बात कर रहे हैं हम साउंड के, जो नॉर्मल आपके कॉन्सोनेंट होते हैं दीज आर 21, ये नॉर्मल की बात करें। लेकिन जब हम बात करते हैं साउंड के अनुसार, तो साउंड के अनुसार जो टोटल कॉन्सोनेंट्स होते हैं कितने होते हैं, जल्दी बताओ। हाँ वेरी गुड, 20, हाँ 20, हाँ सही है आप लोग बिल्कुल। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ अकॉर्डिंग टू साउंड, वो होते हैं 24, कितने होते हैं 24। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये बात समझ में आ गई तब इसके बाद हम नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं जिसका नाम क्या है, वर्ड है। क्या वर्ड है? तो आप ये बहुत सिंपल सी बात है, अ ग्रुप ऑफ अल्फाबेट, अल्फाबेट दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस।
तो वर्ड की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये क्या होता है, अल्फाबेट का ग्रुप होता है वही जो 26 अल्फाबेट हैं, और उन अल्फाबेट को आप मिलाओगे तो उसका एक क्या निकलेगा, कंप्लीट सेंस निकलेगा। उसी को ही हम क्या नाम देते हैं, वर्ड देते हैं। और वर्ड को जो बेसिकली कैटेगराइज किया गया है वो है, एक तो इसमें टोटल आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं, 8, और प्लस इसी में एक इन्वॉल्व और होता है, क्या, आर्टिकल, क्या आर्टिकल, ये भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। याद रखना, अगर कोई भी दुनिया का कोई भी वर्ड अगर आपके सामने आ रहा है तो इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एक होगा या फिर वो आर्टिकल होगा। आर्टिकल होगा तो आप पहचान लोगे, आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हो। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये बात समझ में आ गई तो इसके बाद अगला जो एलिमेंट है किसका, लैंग्वेज का, उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। अगला जो एलिमेंट है वो है फोनीम। क्या है, फोनीम। बेटा मैं बार बार आप लोगों से एक ही चीज बोल रहा हूं कि अगर रूट वर्ड के थ्रू अगर आप वर्ड्स को याद करोगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी होगा, क्योंकि जो फोनीम टर्म्स है ना, इसमें फोनीम का मतलब आपको समझना है, इसमें जो फोन है ना ये रूट वर्ड है एक तरीके से। क्या है, रूट। और फोन का मतलब क्या होता है, साउंड होता है। जैसे आपने एक टेलीफोन का नाम सुना होगा, माइक्रोफोन का नाम सुना होगा, सेल फोन का नाम सुना होगा, सब में आ रहा है। तो ये फोन का मतलब क्या होता है, साउंड होता है। तो बेसिकली फोनीम का मतलब क्या होता है, फोनीम का मतलब होता है कि अल्फाबेट के एक ऐसे साउंड, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट आप बोल सकते हो, साउंड का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसी को ही हम क्या नाम देते हैं, फोनीम देते हैं। क्या नाम देते हैं, फोनीम। मीन्स स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, अ साउंड, जो स्मॉलेस्ट यूनिट्स होता है ना किसका, साउंड का, उसी को हम क्या बोलते हैं, फोनीम बोलते हैं। जब एक कोई छोटा बच्चा होता है ना तो सबसे पहले क्या बोलता है, फोनीम बोलता है। कैसे बोलता है, ए, ई, आ, यू, ऐसे बोलता है। याद रखना, जो छोटे बच्चे होते हैं ना सबसे पहले जो साउंड निकालते हैं ना वो वाउल साउंड निकालते हैं। कौन सा साउंड, वाउल साउंड निकालते हैं। और वो जो छोटे छोटे साउंड को जो निकालता है ना वो फोनीम ही निकलता है सबसे पहले। जब फोनीम निकलता है ना उसके बाद नेक्स्ट फर्दर फॉर्मेशन होता है, मॉर्फीम का, मॉर्फीम के बाद वर्ड का, वर्ड के बाद फ्रेज का, फ्रेज के बाद क्लॉज का, क्लॉज के बाद सेंटेंस का, उसके बाद पैराग्राफ का, मतलब वो ऐसे ही फॉर्मेशन करता है। तो सबसे पहले वो क्या बोलता है, फोनीम। एग्जाम्पल में जैसे आप ले सकते हो, वही अल्फाबेट आप कंसीडर कर सकते हो, ए बी डी, ये सारे क्या होते हैं आपके, फोनीम होते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट टर्म पे जाते हैं, मॉर्फीम। क्या, मॉर्फीम। अब यहां पे एक चीज फिर, यहां पे वही रूट वर्ड आ गया, देखो मॉर्फ, मॉर्फ का मॉर्फ कहीं भी लगाओ ना तो इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर, या इसका मतलब होता है शेप। क्या होता है, इसका मतलब शेप होता है। मॉर्फ कहीं भी लगाओ तो मॉर्फीम। बच्चा सबसे पहले फोनीम बोलेगा, फोनीम के बाद क्या बोलेगा, मॉर्फीम। मीन्स यहां पर वो फोनीम के थ्रू छोटे छोटे वर्ड्स का फॉर्मेशन करेगा। जैसे बोलेगा कैट, मा, पा, रैट, बैट, सैट, डैड, ऐसे ऐसे वो टर्म्स को यूज करेगा। इसलिए इसको हमने क्या नाम दिया है, मॉर्फीम। मीन्स आप बोल सकते हो, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ वर्ड, मतलब ये वर्ड की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप बोल सकते हो क्या, रैट, मा, मा, मम्मा, जो भी आपने बोला।
फिर आप वो बोलेगा आपसे क्या, हैट, ईटीसी। मीन्स वो छोटे छोटे वर्ड्स का यूज करता है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, मॉर्फीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉर्फीम। मीन्स सबसे पहले फोनीम बोलेगा, उसके बाद क्या बोलेगा, मॉर्फीम। आई होप ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अभी आपके मन में डाउट होना चाहिए, ये मॉर्फीम हमने क्यों नाम दिया, मॉर्फ क्यों यहाँ लगाया, क्योंकि मॉर्फ का मतलब होगा वो शेप देगा, स्ट्रक्चर देगा। किसका स्ट्रक्चर देगा, ये जो आपके आ रहे हैं क्या, फोनीम। फोनीम को ही हम क्या एक तरीके से अल्फाबेट बोल सकते हैं। तो इनका स्ट्रक्चर देगा, और स्ट्रक्चर देने के बाद उसका एक क्या निकलेगा, कंप्लीट मीनिंग निकलेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, मॉर्फीम बोलते हैं। क्या, मॉर्फीम। आई होप ये टर्म्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर ये टर्म्स क्लियर हो गए हैं तो अगला टर्म्स देखते हैं, जिसको हमने नाम दिया क्या, फोनेटिक। क्या नाम दिया, फोनेटिक। फोनेटिक में क्या होता है, इसमें बेसिकली होता है स्टडी ऑफ साउंड्स। क्या, स्टडी ऑफ साउंड्स हम इसमें करते हैं फोनेटिक्स में। मींस कि जब कोई एक ह्यूमन बीइंग है, जब वो किसी वर्ड को प्रोनाउंस करता है या वो बोलता है, तो वहाँ पे वो किस टाइप के साउंड्स फंक्शन कर रहे हैं, मींस उसका साउंड कैसे निकल रहा है, उस साउंड को निकालने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हेल्प कर रही हैं, टंग ट्विस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, माउथ उसका टच कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें हम किस में स्टडी करते हैं, फोनेटिक्स में करते हैं। तो मींस मतलब आप बोल सकते हो स्टडी ऑफ ह्यूमन स्पीच साउंड्स, इसी को हम क्या बोलते हैं, फोनेटिक्स बोलते हैं। और तो ये आगे इसके बाद देख लेते हैं, फोनेटिक के बाद लास्ट है आपका फोनोलॉजी। क्या होता है, फोनोलॉजी। नाम से समझ में आ रहा है, फोन, इसमें भी टर्म्स छिपा हुआ है। फोन का मतलब क्या होता है, साउंड। देखो यहां भी फोनेटिक में क्या है, वही फोन है। फोन का मतलब क्या होता है, साउंड। तो फोनोलॉजी में क्या होता है, बेसिकली इसमें हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं, किसके, साउंड के पैटर्न्स का, कि मींस कौन सा साउंड कैसे निकल रहा है, उसकी स्टडी जिसमें की जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फोनोलॉजी बोलते हैं। और फोनोलॉजी अपने आप में ये क्या है, सब्जेक्ट है। मींस आप इसको बोल सकते हो साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड पैटर्न्स, साउंड पैटर्न्स, उसी को हम क्या बोलते हैं, फोनोलॉजी बोलते हैं। अब ये जो फर्स्ट बेसिक क्लास था ना, वो फर्स्ट बेसिक क्लास यहीं पे क्या हो गया, आपका फिनिश हो गया। इसके बाद इसके हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे कि क्वेश्चंस किस टाइप से आपके एग्जाम में आते हैं। और ये जो क्वेश्चंस है ना, ये मैंने सारे के सारे सी टैट से उठाए हुए हैं। तो सबसे पहले आप ट्राई करिएगा सॉल्व करने के लिए, उसके बाद मैं करूंगा। ये आपके सामने कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले आप इसको ट्राई करिए बनाने के लिए, और उसके बाद मैं आपको आंसर दे रहा हूँ, फिर देखते हैं आपके कितने नंबर आ रहे हैं। और जितने भी नंबर आएंगे आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बता देना। आई होप आपने कर लिया होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, याद रखना ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जिस जो कि सी टैट में आए हुए हैं, आप देख सकते हो यहाँ। इसलिए मैंने हाईलाइट भी कर दिया है ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ, जो हमें पढ़ाया जा रहा है वो हमारे काम का है। तो इसमें से पहला क्वेश्चन देख सकते हो, इंग्लिश लैंग्वेज हैज कॉन्सोनेंट साउंड्स, हाँ बताओ कितना लगाया। तो अभी मैंने बताया था आपको लेक्चर में कि इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात करें, अगर साउंड के अकॉर्डिंग बात करें, तो देयर आर 44 अल्फाबेट। कितने, 44 अल्फाबेट हैं, जिसमें से 20 क्या होते हैं, बाउल साउंड्स होते हैं, और 24 क्या होते हैं आपके, वेरी गुड, ये होते हैं क्या, कॉन्सोनेंट साउंड्स। एक चीज याद रखना, अगर इस साउंड को हटा दो आप, केवल इतना लिखा हो इंग्लिश लैंग्वेज हैज कॉन्सोनेंट, तो आंसर क्या होगा, 21 आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 21, साउंड्स के अनुसार इसलिए हो रहा 24। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। डिप्थोंग्स आर, अभी मैंने आपको बताया था मोनोफ्थोंग्स, डिप्थोंग्स। तो डिप्थोंग्स में क्या होता है कि ये बेसिकली दो बाउल साउंड से मिलकर बना होता है, और इसमें क्या होता है, एक साउंड दूसरे साउंड के ऊपर क्या करता है, ग्लाइड करता है। क्या करता है, ग्लाइड करता है। वो ऑप्शन देखते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स बिल्कुल गलत है, डबल कॉन्सोनेंट बिल्कुल गलत है, वाउल साउंड्स, हाँ वाउल साउंड्स तो होता है, लेकिन डबल वाउल साउंड्स ये सबसे बेस्ट है। कौन सा, डी वाला, क्या, डबल वाउल साउंड्स, ये आपका सही हो जाएगा। मीन्स डी ऑप्शन जितने भी लगाया होगा बिल्कुल सही है। आगे फिर क्वेश्चन है, डिप्थोंग्स आर ऑल्सो नोन एज
सिंपल सा क्वेश्चन है। सेमी वाउल्स गलत है, सेमी वाउल्स मैंने बताया था दो होते हैं, डब्ल्यू एंड वाई। इसके बाद है प्योर वाउल्स, प्योर वाउल्स आपके क्या होते हैं, मोनोफथोंग्स होते हैं, तो ये भी गलत है, डिपथोंग्स प्योर वाउल्स नहीं होता है। इसके बाद वाउल्स विद वीक साउंड्स गलत है, वीक साउंड वाले वाउल्स आपके अलग होते हैं, ये होता ही नहीं है, तो ये गलत है आपका। इसके बाद है ग्लाइडिंग वर्ड्स या ग्लाइडिंग साउंड्स या कंप्लीट वाउल साउंड्स, ये बिल्कुल आपका क्या है, सही है। तो ये किसी भी नाम से आपके सामने आ सकता है, तो इसको हम ग्लाइडिंग साउंड्स बोल सकते हैं या ग्लाइडिंग वर्ड्स बोलते हैं। अभी मैंने आपको इसी लेक्चर में ये समझाया था। इसके बाद आते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पोएटिक डिवाइस। कौन सा डिवाइस? पोएटिक डिवाइस मीन्स जब पोएट कोई भी पोएम लिखता है तो उसमें वो सबसे ज्यादा कौन सी चीजों का यूज करता है, उसी को ही हम क्या कहते हैं, पोएटिक डिवाइस। तो याद रखना इमेजरी, बिल्कुल सही है। इमेजरी में क्या होता है, जो पोएट होता है वो क्या करता है, किसी भी चीज की इमेजिन करता है, अपने आप को इमेजिन करता है और उस प्लेस पे ले जाके और उसके रिगार्डिंग वो सारी चीजों को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, बताता है। तो ये बिल्कुल सही है। और ये फिगर ऑफ स्पीच है, क्या फिगर ऑफ स्पीच, शायद मैं एक राजा होता, तो कहीं ना कहीं इसमें क्या हो रहा है, इमेजिनरी हो रहा है, मतलब इमेजिन हम कर रहे हैं चीजों को, तो ये बिल्कुल सही है, तो है ही पोएटिक डिवाइस। इसके बाद मॉर्फिम अभी छोड़ो, मेटाफर बिल्कुल सही है। मेटाफर क्या होता है, इसमें कहीं ना कहीं हम एक चीज का दूसरी चीज से डायरेक्ट तुलना करते हैं, मींस इसमें लाइक और एज का यूज नहीं करते हैं और चीजें क्या होती है, डिफरेंट होती हैं, सेम चीजें नहीं होती हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूं, यू आर अ लायन इन द बैटल, तो इसमें कहीं ना कहीं आपकी तुलना हमने किसके साथ कर दी, लायन के साथ कर दी, और ये डायरेक्ट तुलना है, मींस इसमें एज और लाइक का यूज नहीं किया। अगर एज और लाइक का यूज कर देंगे तो सिमिली में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेटाफर भी आपका क्या होता है, पोएटिक डिवाइस होता है। मींस आप युद्ध में कैसे लड़े थे, एक लॉयन की तरह लड़े थे, मींस आपकी ब्रेवरी मैंने किसके साथ कंपेयर कर दी, लॉयन की तरह कर दी। इसके बाद एलिटरेशन, एलिटरेशन बिल्कुल सही है, ये भी एक क्या होता है, पोएटिक डिवाइस होता है, जिसको अनुप्रास अलंकार आप बोलते हो। इसमें क्या होता है, एक पहला जो अल्फाबेट होता है, पहले अल्फाबेट का साउंड दूसरे मतलब पहले जो वर्ड का साउंड होता है वो दूसरे वर्ड के साउंड से आपस में क्या करता है, मैच करता है, क्या मैच करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एलिटरेशन बोलते हैं। तो ये भी एक क्या, पोएटिक डिवाइस है। तो आंसर क्या हो गया, अब दिमाग नहीं लगाना है, मॉर्फीम होता है। और मॉर्फीम क्या होता है, हाँ, इट इज अ स्मॉल वर्ड्स दैट आर मेड ऑफ फोनीम, मतलब जो फोनीम से बना होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मॉर्फीम कहते हैं। जैसे कैट, मैट, रैट, सैट, ये मैंने आपको बता दिया। आगे दिया फोनीम इज, फोनीम इज बहुत ही सिंपल है, डिपथोंग्स, अ साउंड वाउल, अ सिंगल यूनिट ऑफ साउंड, अ सिंगल यूनिट ऑफ वर्ड। तो याद रखना फोनीम तो वर्ड होगा नहीं, तो वर्ड वाला ऑप्शन तो पहले गायब कर दो आप। दूसरी बात है वाउल साउंड, इसमें कोई दिमाग ही नहीं लगाना, वाउल साउंड नहीं होता, इसके अलावा जो आपके कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं वो भी इसी में आते हैं, समझ गए, ऐसा नहीं केवल वाउल साउंड आएगा। डिपथोंग्स बात ही नहीं हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, सिंगल यूनिट ऑफ साउंड, मीन्स जो साउंड की सिंगल यूनिट होती है, ए ओ बी सी डी, ये आपके क्या होते हैं, फोनीम होते हैं। तो आंसर क्या हो गया, सी हो गया। इसके बाद लास्ट है अफोनीम इस, यहाँ पे है टेक्निक ऑफ टू इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन, सिंगल यूनिट ऑफ, दिमाग ही नहीं लगाना, ऊपर वाला सेम रिपीट हो गया यहाँ पे, तो आंसर कौन सा हो गया, ये हो गया टेक्निक टू इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन। ऐसा कुछ नहीं है कि हम इसमें कोई टेक्निक होता है जिसके थ्रू हम अपने प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करते हैं, सिंगल यूनिट ऑफ साउंड होता है, बिल्कुल सही है। साउंड पैटर्न, साउंड पैटर्न बेसिकली फोनोलॉजी में हम स्टडी करते हैं कि कोई भी साउंड का पैटर्न कैसे होता है। और लेक्सिकल वर्ड्स जो होते हैं, लेक्सिकल वर्ड्स होते हैं जो डिक्शनरी के अनुसार वर्ड्स बनाए गए हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लेक्सिकल वर्ड्स होते हैं। इसमें नाउन आता है, एडजेक्टिव आता है, डेमोंस्ट्रेटिव मतलब जो डेमोंस्ट्रेटिव वाले वर्ड्स होते हैं वो सारे इसमें आते हैं, लेक्सिकल वर्ड्स में आते हैं, एडवर्ब आता है, प्रोनाउन नहीं आएगा इसमें, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, लेक्सिकल वर्ड्स बोलते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर ये आपको समझ में आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करना और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। इसके बाद हम आपका सेकेंड इसका बेसिक क्लास लेके आएंगे, और आपको अगर इसका नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बहुत बताइएगा, इसके मैं नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगा ताकि ये आपके लिए और भी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाए। तो इसी के साथ मैं क्लास को यहीं पर फिनिश करता हूँ। अपना केयर करिएगा, टाटा बाय बाय, मे गॉड ब्लेस यू।